और साड़ी पुस्तक सिलेक्ट करने का ये हुंदा है प्रोविजन असी तरीका ही रखिया होया कि वो किताब जिहड़ी पंजाबियां जां पंजाबीयत नाल ताल्लुक रखती है बहुत इंपोर्टेंट किताब है। असी उहदे ते असी हर महीने एक किताब दे उत्ते ये प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम इस तो पहला जदों पैंडेमिक नहीं सी शुरू होया ते सदन की इमारत विच असी उत्थे इनवाइटेड ऑडियंस सामने करते सी, पर उस तो बाद कुछ देर जदों कोविड-19 शुरू होया ते बंद रहा, पर हौली हौली असी सोचा कि सानू अपनियां सरगर्मियां जिहड़ियां ओह जारी रखणियां चाहीदियां ते असी इहनूं वैबीनार दी सूरत विच करना शुरू कीता और सानू खुशी है कि इस वैबीनार दे विच भी उस तरह ही लोग सगों उस तो भी वध लोग जुड़ते आ जिहड़े कि पहलों वर्चुअल की जगह जदों असी फिजिकली फंक्शन करते सी उदों भी लोग जुड़ते सी। हुण साडे कोल जिहड़े साडे दर्शकां दे विच साडे श्रोतियां दे विच इंटरनेशनल लैवल तो बहुत सारे देशों तो लोग जुड़ते हैं, पंजाब तो जुड़ते हैं, होरना शहरों तो जुड़ते हैं। उस अज की किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब के बहुत ही पंजाबी सपूत मैं तो कहना उन्होंने कि जिन्होंने पंजाब के इतिहास में सिखों के इतिहास में बहुत वड्डी देन डॉक्टर गंडा सिंह दे उत्ते एक पुस्तक जी नैशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है। डॉक्टर मोहिंदर सिंह जो डायरैक्टर ने साढ़े भाई वीर सिंह सैसदन के और नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब स्टडीज़ के उन्हों की रची हुई ये पुस्तक है। और अज असी सोचा कि भावें ये पुस्तक जी है साढ़े अपने डायरैक्टर की लिखी हुई है, पर यह किताब बहुत इंपोर्टेंट है पंजाबियों वास्ते, पंजाब वास्ते। सो इसलिए असी इस किताब में अज डिस्कशन लिए रखा और असी इस किताब में इस वास्ते भी डिस्कशन लिए रखना जरूरी सी कि डॉक्टर गंडा सिंह बारे बहुत सारिया भ्रांतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ और सिख जी हैगी आ रिसर्च दे विच सिखां नाल संबंधित, बाणी नाल संबंधित, गुरु साहिबान नाल संबंधित रिसर्च दे विच प्रोफैसर कपूर दा बहुत वड्डा योगदान है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत जी आया नूं तुहानूं कि तुसीं साडे इस मंच ते साडे नाल जुड़े हो। साडे दूजे पैनलिस्ट ने डॉक्टर धर्मिंदर सिंह उबा, प्रिंसीपल खालसा कॉलेज पटियाला। उन्हां दे बारे भी मेरा ख्याल है कि उबा साहब किसी जाण पहचान दे मुहताज नहीं। मैं उन्होंने कॉलेज में 2-3-4 बार गया और उन्होंने उस कॉलेज में एक यूनीवर्सिटी का रूप दिता होया। ये खालसा कॉलेज नहीं, खालसा यूनीवर्सिटी है। वो इन्ने सिदकी ने, इन्ने मेहनती इंसान है और साढ़े जोड़े सिखों में बहुत घट लोग ने जोड़े अपना जोड़ा इंटलैक्चुअल काम करद्या भी मैनेजमेंट इन्नी वधिया तरीके नाल कर लेंदे ने। डॉक्टर उबा उन्होंने चों ने मैं डॉक्टर उबा तुहानूं भी जी आया आखदा। और साढ़े इस जो पुस्तक के ऑथर ने डॉक्टर महेंद्र सिंह वो भी साढ़े नाल जुड़नगे और दोनों पैनलिस्टां तो बाद वो भी अपनी वालों गल करनगे। डॉक्टर साहब तुहाडा भी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम की मॉडरेटर ये ने डॉक्टर मुनीश कुमार जो दिल्ली यूनीवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफैसर ने और साढ़े इस प्रोग्राम नाल जुड़े हुए ने। मैं हुण मंच जिहड़ा मुनीश कुमार नूं दिना और डॉक्टर मुनीश तुसीं इस प्रोग्राम में शुरू करो। तो अनु जी आया डॉक्टर मुनीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेल सर जी। जिवें कि डॉक्टर साहब उन्होंने बड़े व्यवस्थित रूप दे विच साडे दोनों जो अज दे मुख वक्ता ने जिन्हां ने डॉक्टर महिंदर सिंह जी द्वारा नव प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर गंडा सिंह इतिहास ते संस्थावां दे उसरईए जिस नूं पुस्तक नैशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने छापिया है और बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर महिंदर सिंह जी। जिहड़ी डॉक्टर वेल सर हुणां ने गल कीती कि बड़ी क्रिस्प जानकारी है इस पुस्तक दे विच, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने तो पहला ही गल इतिहास की भी चल रही सी, मॉडर्निटी की भी चल रही सी, फैक्ट्स की भी चल रही सी। बहुत सारिया पोस्ट स्थितियां भी आ चुकिया ने जिन्हां दे अंतर्गत इस किताब नूं नवें सिरे तो वाचना या गंडा सिंह वर्गी बहुपक्षी शख्सियत नाल पाठकां दी जान पछाण होनी मैनूं लगता है ये बहुत वड्डी अपने आप दे विच देन होएगी इस पुस्तक दी। और इस दे लई मैं डॉक्टर महिंदर सिंह जी हुणां नूं बहुत बहुत मुबारका दिंदा हाँ। 2019 दे विच भी उन्हां दी वैसे तो उन्हां दी 2 दर्जन के करीब सिख इतिहास नाल संबंधित किताबां प्रकाशित हो चुकियां ने। 2019 दे विच उन्हां दी पुस्तक गुरु नानक जीवन ते विरसा राष्ट्रपति भवन दे विच भी लोक अर्पण हो चुकी है। सो एक होर नवा आयाम डॉक्टर महिंदर सिंह जी हुणां ने सिरजिया है। मैं जदों इस किताब नूं पढ़ रहा सी तां किताब दे विच पता लग्या कि 6 दर्जन के करीब और 350 के करीब खोज पत्र डॉक्टर गंडा सिंह जी होरी लिख चुके ने। तो जो मैं महिंदर सिंह जी हुणां दा इतिहास नाल संबंधित उन्हां दा डाटा देखिया तो एक कहावत तो गलत साबित हो जाती है। सियाणे कहते हैं कि बोर्ड थले कभी बोर्ड नहीं उगता। मैनू लगता जो बोर्ड थले बोर्ड ना भी उगे तो घट्टो घट्ट इन्नी कुछ स्पेस अपनी बना लेंदा है कि जिहड़ा तुसीं समर्पण की गल कीती है कि जिन्हां ने दीवा बुझण नहीं दिता ते तुसीं दीवा ना बुझाउण वालेयां चों नहीं बल्कि तुसीं लोकां दा नाम रोशन करवाउण वाले विचों हो जिन्हां ने डॉक्टर गंडा सिंह जी हुणां दे नाम नूं अज भी जीवित रखिया होया है। ते उन्हां दे ही रहनुमाई सदका उन्हां दे ही मार्ग ते चलदियां तुसीं इस किताब नूं पाठकां दे हत्थ दे के पाठकां नाल एक नवीं सांझ एक नवें ढंग नाल एक नवें तरीके नाल पाउण दा यतन कीता है। सो डॉक्टर साहब तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां इस किताब नाल छापन ते और अज इस पुस्तक ते विचार करन दे लई इस पुस्तक नाल संवाद रचाउण दे लई साडे दरमियान तो अहम शख्सियतां जिन्हां दा अपना भी कद बहुत ही वड्डा है जिन्हां ने आपो अपने फील्ड च रहिंदियां होइयां बाकमाल नामना खट्टिया है। और खास करके साडे पहले बुलारे मैं सद्दा देना चाहूँगा प्रोफेसर प्रिथीपाल सिंह जी कपूर साबका प्रो वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म मास्टर तारा सिंह जस्सा सिंह आलूवालिया दा खालसा वर्गियां पुस्तकां दे सिरजक डॉक्टर प्रोफेसर प्रिथीपाल सिंह जी कपूर जी। और क्योंकि जीजीएन खालसा कॉलेज दे विच लगातार लंबा समा इन्हां दी छत्र छाया दीन काम कीता है और खालसा एजुकेशन कौंसल दे प्रधान वजों भी अपनियां अहम सेवावां निभा चुके ने ते अज भी उसे ही ढंग नाल अपनियां सेवावां बखूबी दे भी रहे ने। और क्योंकि 1917 तो लैके 1947 दी वंड दौरान जो गुजरांवाला गुरु नानक खालसा स्कूल कदी एस्टैबलिश सी गुजरांवाला दे विच ओह पूरी दी पूरी मूवमेंट डॉक्टर साहब हुणां ने आप देखी हुई है आप हंडाई हुई है और उस दे उपर भी इन्होंने उस पूरी दी पूरी जिहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई वंड तो पहला स्कूल किवें करवट बदलदा किवें फिर वो उद्योगिक शहर लुधियाने दे विच अपनी खास थान बनांदा हैगा और अज भी वो निरंतर अगाह वधू अगाह सोच चली जा रहा है। और मैं मेरा ख्याल है भी असी जी जी डॉक्टर गंडा सिंह जी पुस्तक दी गल कर रहे जी जी बिल्कुल सर उस ते आन लगी सर ज्यादा उधर आदत करैक्ट जरूर करना चाहता है तो दैट इज मैं समझदा भी शायद हो मेरी अपनी कमजोरी करके मैं कहता है बट ऑन द सेम मतलब गल ते असी जड़ी है साडा मेजर असली मुद्दा वो डॉक्टर गंडा सिंह जी जी और चूंकि डॉक्टर गंडा सिंह ते रचना जड़ी है डॉक्टर मुहिंदर सिंह जी वी हैव टू टॉक अबाउट हिज राइटिंग सो दैट इज द बेसिक थिंग। इस पासे सानू गल जड़ा वे ध्यान देना चाहिए और मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी यू स्टार्ट विद इट डायरेक्टली। ओके ओके सो ज़्यादा वक्त ना लेंदा होया मैं प्रोफेसर प्रिथीपाल सिंह कपूर जी हुणां नूं सद्दा देना चाहांगा कि वह डॉक्टर गंडा सिंह इतिहासकार ते संस्थावां ते उसरईए जो पुस्तक डॉक्टर महिंदर सिंह जी हुणां ने सिरजी है उस पुस्तक बारे अपने विचार रखन। प्रोफेसर प्रिथीपाल सिंह कपूर सर थैंक यू सर ओवर टू सर। थैंक यू वेरी मच। पहली गल वे कि मैं जिसले डॉक्टर गंडा सिंह की गल सोचता तो उस वक्त मैनू ये गल थोड़ा जहा मेरे ध्यान चाहती है कि साढ़े पहली सानू ये सोचना पैंदा या देखना पैंदा है कि सिख इतिहास की रिसर्च किन्ना सरकमस्टांस शुरू हुई ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇ ਵਰ ਬੀਂਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਸਿੱਖਜ਼ਮ। ਭਈ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ? ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਲ ਅੰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਜਿੱਤੀ ਦੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੜ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਮੋਂਟ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ੀਅਸਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, 2-4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਦੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਡਿਡ ਕਮ ਬਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਪਾਨ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪੈਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਦੈਨ डायरेक्टली विल रिवर्ट बैक टू गंडा सिंह। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह दे वेले उन्हें अपने एक जरनैल फ्रांसीसी नूं छुट्टी दी सी। वो जिस वेले छुट्टी आया, छुट्टी तो वापस आया तो नाल अपने क्रीडेंशियल लै आया एज अंबैसडर ऑफ द फ्रांस, कंट्री ऑफ फ्रांस टू महाराजा रणजीत सिंह। उत्थे बकायदा जलसा किया, मास्टर तारा सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह ने जलसा किया, बंदे इकट्ठे किए, सारे कुछ इन्ना कुछ होया तो वो लोग तो नाराज हो गए और द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। हुण उन्हां दी प्रॉब्लम हुण रणजीत सिंह है, उन्हां दी प्रॉब्लम सिख तां बणिया, सिख दे उत्ते उन्हां ने अपनी तहकीक या अपनी जिन्हों असीं रिसर्च कहने आ वो उस ने करनी शुरू सीरीयसली तां शुरू की है। इट इज़ अंडर दीज सर्कमस्टांसिस दैट कनिंघम कम्स। इन्हां सर्कमस्टांसिस च कनिंघम आया, लेकिन देयर वर ऑलरेडी सम पीपल हू वर राइटिंग अगेंस्ट द सिक्स, रणजीत सिंह के खिलाफ, रणजीत सिंह दे के कुछ नहीं, इनू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आंदा, इहदा जिहड़ा वे पैजेंट्री दा काम जिहड़ा वे बड़ा गलत हैगा, इह कुछ नहीं। ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग रिटन एट दैट टाइम। हुण उस वक्त जिस वे अंग्रेज़ां ने टेक ओवर कर लिया साडा पंजाब दे विच उहनां दे कोल सी, तो हुण प्रॉब्लम यह होई कि सिख जिहड़े सन, जिहड़े पढ़े सन, नवीं पीढ़ी पढ़ी सी, उहनां दी प्रॉब्लम यह सी कि वी हैव टू टेल वट वी आर। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਲੀਐਸਟ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਟੈਲ ਦੈਮ ਦੈਟ ਵਟ ਵੀ ਆਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਲੋਕ ਆਜੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, लेकिन उस तो बाद ये सोचा सीरीयस किस तरह गल की जाए। दैन जिस वे बाकी पढ़े लिखे बंदे आए, उन्होंने ही फिर करम सिंह भी आ गए, अर्लीएस्ट मैन, बट ही हैज़ रिटन ओनली इन पंजाबी। इस करके वो सानू पंजाबी वर्ल्ड नूं ते असीं जानने, लेकिन बाहरले लोग जिहड़े ने नहीं जानते। तो करम सिंह तो बाद डॉक्टर गंडा सिंह का नाम है। डॉक्टर गंडा सिंह वॉज बेसिकली ਇੱਕ ਆਸੂਦਾ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ। क्योंकि मतलब मैनू पता लगा कि जो हुशियारपुर जिला है साडा उहदी लिटरेसी की हाईएस्ट सी किसी जमाने अज भी उन्हों की हाईएस्ट है और पर मतलब कैपिटा पर जिन्होंने कहते पर स्क्वेयर यार्ड उहदी जिहड़ी एजुकेशन की जिहड़ी पसार है वो ज़्यादा है बाकी सारे जिले नालों ये सी और उस जिले में बिलोंग करते सन एंड दैन देयर वर गुड स्कूल एवरीवेयर जिस थां तो उस बिलोंग करते सन एंड वी नो कि हुण ये एक पिंड दे जट दा पुत्र जिहदी कोई खास गल बहुती नहीं होनी कि अवेयरनैस किन्नी कु है लेकिन ही गोज टू एफ सी कॉलेज डायरैक्टली इन्हें मैट्रिक पास की है नंबर चंगे आ गए ने एफ सी कॉलेज डायरैक्टली चलो ठीक है कि अगों वार आई तो उन्होंने बाहर चो जी सी कॉलेज छड़ के तो जंग चले गए बड़े लोग गए सारियां नूं कंसक्रिप्शन ना हुई भी जे कंसक्रिप्शन हो जाती वक्री गल सी जो ना ही हुई तो तां भी लोग भर्ती होंदे ने फॉर सम परसूट ऑफ कैरियर डॉक्टर गंडा सिंह चले गए डॉक्टर गंडा सिंह हैड टू गो टू मतलब इराक गए और बाकी था अफगानिस्तान भी रहे ने उन्होंने उत्थे वेख्या की गल है जिहड़ी एक गल है मुसलमानों ने भी लिखा है कि हिंदुस्तान इतिहास लिखण वाली रुचि नहीं है घट है और अपना इतिहास भी नहीं लिखते लोगों का भी नहीं लिखते दसते भी नहीं पेकी चीज़ है नहीं लिखते है इन्हों की कोई दे थिंक अबाउट दी अदर वर्ल्ड दे डोंट थिंक अबाउट दी सैकंड देयर वर्ल्ड जी असी जीने जीनी चीज़ है जी जीने जीवन असा जीना वह नहीं कोई करते वो वाल ध्यान नहीं देंगे इस करके दूजे पासे देंगे तो दूजे पासे का जो सी इस इन्हों ने हम लिखना शुरू करता सिखा ने सोचा कि हम मतलब है कि असी दसांगे लोगों जो असी अंग्रेज़ों को दसना है या किसी को दसना है कि वट वी आर ये असी जो करना तो फिर सानू पता होना चाहिए उस वक्त 18वीं सदी साडी च एक बड़ी नोटेबल गल है कि बड़ी संघर्ष की साडी हैगी है जिन्हों कहते कि सेंचुरी जी 18th सेंचुरी है ये बड़ी सेंचुरी जी संघर्ष की है और बड़ी बड़ी ज़्यादा जिन्हों कहते हैं कि कंट्रोवर्सी की वे है सारा कुछ नाल लेकिन एट द सेम टाइम असी ये देखने कि उस वक्त सिख कॉन्सटेंटली कम कर रहे जन्म साखियों पर कम हो रहा है बंसावली नामिया पर कम हो रहा है सिख लिखण वाले भी आ गए ने वो नाल काम जोड़े ने कर रहे हैं और सोच रहे हैं भी ये किस तरह ये जी सानू सानू पता किस तरह लगे जिन्ना लिटरेचर पैदा होया वो जमाने पैदा होया बहुता ज़्यादा हौली 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 करके वो लिटरेचर जो सामने आना शुरू हो गया फिर जिस वो लिटरेचर आ गया तो उस तो बाद पढ़े लिखे आ गए नवीं वैसटर्न एजुकेशन वाले बंदे आ गए उन्होंने कुछ अंग्रेजी किताबें लिखनी शुरू कर दी कुछ होर भी शुरू हो गया जिन्होंने मैं जिमें दसिया सेवा राम सिंह है राजा साहब दलजीत सिंह है इहो जे बंदे उन्होंने गुरुओं से पहले लिखा जिन्हें भी लिखा पहला गुरुओं से लिखा लेकिन करम सिंह सी जिहड़ा कहंदा सी कि सानू अपनी 18th सेंचुरी बारे भी लिखना चाहिए और एक उन्हें इंट्रोड्यूस की ओरल हिस्ट्री की गल जिहड़ी सी वो खास करम सिंह ने इंट्रोड्यूस की कि बयान लैने चाहिए ने लोगों के लोगों को पूछना चाहिए तो की वेख्या रणजीत सिंह ने बेटे की वेख्या उस तो पहला की वेख्या जोड़े कोई बजुर्ग है ने उन्हें यह काम शुरू करता मीनवाइल डॉक्टर गंडा सिंह हैड कम इन टू कॉन्टैक्ट विद परशन पीपल उत्थे परशन की या परशिया की या ईरान की एक जोड़ी है बिबलोग्राफी तैयार हो रही थी जिहदे नाल लगे सन उस बंदे ने इन्होंने गल जी सी दिखाई इन्हों को काम लेंदा रहा वो इंट्रस्ट लिया इन्होंने इंट्रस्ट लैन तो बाद उन्होंने पता लग गया कि हिस्ट्री के जोड़े गए टैक्नोलॉजी है और बकायदा सानू किताबों की लिस्ट होनी चाहिए साढ़े को सारे सोर्सिस होने चाहिए ने ये सारा कुछ बाई चांस डॉक्टर गंडा सिंह लर्नड एवरीथिंग ऑल दिस इनफॉरमेशन बैकग्राउंड ऑफ गंडा सिंह इज गिवन बाई डॉक्टर मोहिंदर सिंह फस्ट ऑफ ऑल सब तो पहली ये गल जी है ना ये डॉक्टर मोहिंदर सिंह ने जी गल खास की है वो ये है कि उन्होंने ग्राउंड जी ग्रूमिंग ऑफ डॉक्टर गंडा सिंह एज हिस्टोरीयन उसनू रिसर्च किया उन्होंने वेख्या वो वाल ध्यान किया ये की चीज़ हैगी है किस तरह ये गल जी आई है तो सानू पता साढ़े कोल किस तरह डॉक्टर गंडा सिंह वर्गी परसनैलिटी जी आ गई या बन गई ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद करम सिंह डॉक्टर गंडा सिंह करम सिंह नाल डायरैक्टली शायद उन्हों की बहुत ही ज़्यादा नहीं सी है डॉक्टर गंडा सिंह की लेकिन बावजूद इस गल के बाय दैट टाइम डॉक्टर करम सिंह हैड स्टार्टड ए फुलवाड़ी आ गई सी उन्हों के लिखतां भी उत्थे आ रही सन सारा कुछ हो रहा सी ते इस करके जिहड़ा साडी ध्यान डॉक्टर गंडा सिंह का इस पासे पिया सी। तो जिस वे उतों आए ने इत्थे पंजाब दे विच तो उस वक्त ये फुलवाड़ी च भी इन्होंने थोड़ी देर काम किया। दिस वाज देयर। तो वो जड़ा ये ध्यान सीगा। मीनवाइल करम सिंह डाइज। वट हैपन्स इज के डॉक्टर गंडा सिंह ने अपनी गल छड्डी नहीं। ये जिहड़ी गल मेन है कि उन्होंने जो फड़ लिया इतिहास तो उन्होंने छड्डिया नहीं। जो उन्होंने फिर वेख्या कि नहीं इहदा मतलब है कि सानू की करना चाहिए उहदे ते छड्डिया नहीं उहदे ते। और ये वड्डी गल जिहड़ी सी फुलवाड़ी च भी रहे उहदे च उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे किताबां भी लिखणियां शुरू कीतियां ये सारा कुछ हो गया। पर डॉक्टर गंडा सिंह ने एक गल जिहड़ी है सीखी वो ये सी कि सिखां दे कंट्रोवर्शियल पोर्शनस जिहड़े ने हिस्ट्री दे सिखां दी जिथे मिसअंडरस्टैंड किए गए हैं वो सारा तुहानू ध्यान देना चाहिए। Here there is something which is very important, which I am going to say कि करम सिंह का जोड़ा सिगा काम वो बेसिकली उन्होंने जोड़ा काम किया है वो काम जोड़ा है ऐसा नहीं सी जोड़ा कि ईवेंट्स उत्ते होवे ऐसा नहीं सी जोड़ा परसनैलिटीज उत्ते होवे उन्होंने असली जोड़ा पहला काम किया है। फॉर एग्जाम्पल असीं ये देखने कि उन्होंने कत्तक के विसाख एक किताब लिखी है वो बड़ी अपने आप में कंट्रोवर्सी किताब हुई कि गुरु नानक साहब का जन्म जोड़ा है वो पूर्णमाशी वाले दिन होया है कत्तक के दिन होया कि नहीं होया एक कंट्रोवर्सी सी। वो कत्तक के विसाख दे विच उन्होंने एस्टैबलिश कर दिता है कि गुरु नानक साहब का जन्म जोड़ा वो विसाख विच होया है। ये अपने वालों उन्होंने पूरी तरह उहदे ते बड़ा काम किया। सैकेंडली उन्होंने बंदा बहादुर के उत्ते काम किया बंदा बहादुर की किताब लिखी पर बंदा बहादुर की उन्होंने जिहड़ी किताब सी उन्हें एक जिहड़ी सी कंट्रोवर्सी भी जनरेट कर दी। ये समा उदों यह सी जोड़ा कि आर्या समाज इत्थे पंजाब विच आ रहा सी। पंजाब विच आर्या समाज आके वह कहना उन्होंने प्रचार बेसिक ये सी कि सिख जोड़े ने दे आर नथिंग मोर दैन ए रिफॉर्मिस्ट वट वी कॉल शिजम ऑफ द हिंदूइजम। हिंदूइजम का असीं एक शिजम है और हिंदूइजम का पार्ट है तो असीं साडी वी सीख वट इज़ नोन एज रिफॉर्म इन हिंदूइजम विद इन हिंदूइजम असीं रहिंदे होए हां। ये उन्हों का यह प्रोपेगेंडा सी इन्हां दा जिहड़े ने आर्या समाजियां दा। तो आर्या समाजियां नूं चैलेंज तो कीता सी भाई गुरदित्त सिंह जी ने ज्ञानी गुरदित्त सिंह ने कीता सी और उस तो बाद जिहड़ा चैलेंज सब तो वड्डा जिहड़ा दित्ता सी ओह इहने करम सिंह ने भी दिता है। ये चैलेंज उन्होंने दिता है उन्होंने ये नहीं भी नहीं दिता चैलेंज जो चैलेंज होया और बहुत सारा जो कान सिंह ने खास करके हम हिंदू नहीं लिख के ही काम जिहड़ी सी शुरू कर दिता। लेकिन डॉक्टर गंडा सिंह जोड़ा उन्हें देखा भी जी गल करम सिंह ने शुरू की है वो तो गलत जड़ी हो गई असी हिस्टोरीयन के तौर के उत्ते की काम किया है। तो डॉक्टर गंडा सिंह स्टार्ट्स विद बंदा सिंह बहादुर। सब तो वड्डी जी गल हैगी बंदा सिंह बहादुर जोड़ा ना वो करम सिंह ने बाबा आला सिंह ने भी काम किया ऑलरेडी थोड़ा जहा बिकॉज ही वॉज ए स्टेट हिस्टोरीयन ऑफ पटियाला। लेकिन यह गल जी है डॉक्टर गंडा सिंह ने जिसे चुनी तो पहली गल जी पहली किताब है डॉक्टर गंडा सिंह की वो किताब जी है रिमार्केबल दैट इज़ आलमोस्ट द लास्ट वर्ड ऑन बंदा सिंह बहादुर। उन्हें उन्होंने कंटैम्परेरी सोर्सेज परशन सोर्सेज सैमी कंटैम्परेरी सोर्सेज और जोड़े ने ट्रडिशनल सिख सोर्सेज ये सारे वरते ने टोटल ऑल दी ऑल और उन्होंने आलमोस्ट सारिया कंट्रोवर्सीज के आया बंदा सिंह बहादुर ने कोई गुरु बनने का यत्न किया है नहीं किया बंदा ने कोई चेंज की है कि नहीं की अपने डॉक्ट्रिन साढ़े च वो कोई गल है कि नहीं ये सारिया कंट्रोवर्सीज जड़ियाँ ने वो डॉक्टर गंडा सिंह ने टच कीतियां ने और टच ही नहीं कीतियां बल्कि उन्होंने डिसाइड करने का यत्न किया पूरी तरह जिमें उन्हों की आदत है। क्योंकि जिमें फॉर एग्जाम्पल जिमें एक कंट्रोवर्सी बड़ी जबरदस्त चल रही थी कि गुरु साहब ने गद्दी दी है कि नहीं गुरु ग्रंथ साहब को एक कंट्रोवर्सी सी। फिर यह सी कि गुरु गोबिंद सिंह का डैथ जड़ी है वो किस तरह हुई है किमें हुई है कदों हुई है वो मारिया तो क्यों मारिया किन्ने मारिया ये जी है बड़ी वड्डी गल सी। उहदे एक छोटी जी किताब डॉक्टर गंडा सिंह ने लिखती है ऑल आस्पैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दैट कोई गुंजाइश नहीं छड़ी किसी थान उत्ते कि वो जी रहन दी हो। तो वो जो आस्पैक्ट है डॉक्टर गंडा सिंह का रुचि बन गई कि उन्हें डीप रिसर्च करनी और वो डीप रिसर्च जी है ना वो वास्ते डॉक्टर गंडा सिंह प्रिपेयर करता अपने आप को। एक उन्होंने पता लग गया कि यू मस्ट हैव व्हाट वी कॉल द बेसिक मटीरियल, जिन्होंने उसी स्रोतां कहने जिन्होंने उसी सोर्सिस कहने सोर्सिस जोड़े चाहिए ने। सोर्सिस विचों उन्होंने पता सी कि कंटैम्परेरी, सैमी कंटैम्परेरी, अर्ली कंटैम्परेरी किहड़े किस्म दे ने, और उस तो बाद जोड़े ने जोड़े लेटर सोर्सिस ने वो किहड़े हैगे ने। वो डॉक्टर गंडा सिंह नूं इन्हां गल्लां दी समझ ज़्यादा सी, और इस गल दे विच मैं ये कहांगा कि डॉक्टर गंडा सिंह ने सब तो वड्डा काम किया कि ही इंट्रोड्यूस द मॉडर्न टैक्नीक इन सिख हिस्टरी रिसर्च। जी अजकल की टैक्नीक जी है स्टोरीओग्राफी जी है एक किस्म का वो जी मैथडोलॉजी है, उस वाल डॉक्टर गंडा सिंह ने पहली बारी ध्यान दिता है। किसी ने मैथडोलॉजी का पहली बारी ध्यान नहीं दिता, डॉक्टर गंडा सिंह ने ध्यान किया कि इस पास जो किया जाए, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ सिस्टमैटिक। डॉक्टर महिंदर सिंह ने एक लफ्ज़ भी लिखा कि संस्थावां दे ओसरिए, संस्थावां दे ओसरिए भी कि उन्हें जो संस्थावां बनाइया ने सॉलिड संस्थावां ने। एक जो फर्ज करो सिख हिस्टरी रिसर्च डिपार्टमेंट खालसा कॉलेज का है तो वो अपने आप अज तक एक यूनीक इंस्टीट्यूट है अज तक, और जो कुछ भी उत्थे कलेक्शन है डॉक्टर गंडा सिंह की अपनी है, चाहे वह कापीज़ ने, चाहे वह जोड़ियाँ ने ओरिजिनल्स ने, चाहे किधरों भी आईया ने। मैं उत्थे काम किया थोड़ी देर लिए फॉर अबाउट ईयर, वो खालसा कॉलेज काम किया है, एंड आई वॉज आस्क्ड टू वर्क ऑन SCPC, आई वॉज आस्क्ड टू वर्क ऑन चीफ खालसा दीवान। ये दोवां दे मैं रिकॉर्ड खोले, दोवां दे विचों रिकॉर्ड जिहड़े सानू मैं लभ के उत्थे लिआया तो उत्थे जिहड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड सन कुछ सारे वो मैं इत्थे दित्ती। ते मैं मालसारा सिंह नूं कहा जी कि सानू तुसीं रिकॉर्ड वेख लैंदे हो, तो मैनूं कहंदे नहीं ये की गल है, ये कोई लोड़ नहीं असीं जला देना है रिकॉर्ड जिहड़ा। मैं जिस वेले उन्होंने यह कहा मैं कहा जी चिट्ठी है एक जिदे लाजपत राय ने सोलीसिट किया तुहाडे नां ते लिखी हुई है सैकटरी SGPC, तो वो ये कहता जी मैं नकोदर जाके कुछ कांग्रेस का मंडल कमेटी बनाना चाहता सा, तो मैं उत्थे जाके लोगों को कहा भी तुसीं मैंबर बनो, तो मेरी तो गल को नहीं सुनता, तुसीं 5-7 अकाली मैनू दिओ तो मैं जाके उत्थे कोई कांग्रेस बना लवां। मतलब दैट इज़ वट वॉज सोलीसिट। मास्टर सिंह नूं कह रहा अच्छा तेरी मैं मदद कराँगा देखांगा ये वो समथिंग लाइक दैट। मैं क्या देखो ये हुणे ओरिजिनल लैटर इज लाइंग इन खालसा कॉलेज अमृतसर दैट द कांग्रेस वाज ब्रॉट टू पंजाब बाय द सिक्स, दे इन फैक्ट इंडक्टेड कांग्रेस इनटू पंजाब। मेरा मतलब जी ये गल्लां ने ना ये डॉक्टर गंडा सिंह ही कर सकता सी, होर कोई नहीं सी कर सकता। डॉक्टर गंडा सिंह ने ही जाके वो अपना थां जिहड़ा सी वो बना दिता और उन्होंने बनाने शुरू कर दी। डॉक्टर गंडा सिंह की इस करके अपनी लाइब्रेरी जी बड़ी वड्डी बन गई, और अल्टीमेटली इट बिकेम नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द पंजाबी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हेयर। सो वट आई वॉन्ट टू से इज़ कि डॉक्टर गंडा सिंह के उत्ते एक किताब की बड़ी सख्त लोड़ सी, सिख हिस्टरी रिसर्च उत्ते बड़ी सख्त लोड़ सी। किवें रिसर्च शुरू हुई, किवें साडे लोड़ां सन, किवें सानू मतलब इस स्कॉलरशिप नूं इंट्रोड्यूस करना पैना सी, हिस्टरी नूं किवें इंट्रोड्यूस करना पैना सी। इस किताब विच गल्लां इशू जिहड़े रेज भी किए गए ने, जवाब भी दिता गया। The issues have been raised and also answers have been given. This is what we call the important thing about this book, which I feel कि डॉक्टर गंडा सिंह की किताब is not only this that is a biography, it has not to be looked from the point of view of a biography. It has to be looked from the point of view of the history of the historiography of the Sikhs. सिखां की हिस्टरी से किवें काम किया गया है, सिखां दे उत्ते लोड़ किवें पई है, और किवें असीं उस नूं वधाया अगे, और किवें स्कॉलरशिप आई है साडे च। ये जिहड़ी गल इहनूं देखण वास्ते मैं समझदा भी पहली गल है कि कीती है, एंड डॉक्टर मोहिंदर सिंह डिजर्व्स ऑल अवर थैंक्स, ऑल अवर वट वी कॉल एप्रीसीएशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. And this book is a welcome addition to our knowledge, rather a book of its own type, a pioneer book. और वो pioneer book जड़ी के उन दसेगी कि अगों असां की साडा नॉलेज जड़ा है हिस्ट्री का वो किवें ग्रो करना है। तो जड़े हुण अजकल काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियां आ गई ने, बड़ा साढ़े कोल बहुत ज़्यादा रिसोर्सिज वध गए हैं, वो सारे वधन दे नाल फिर भी जो कुछ हो गया इट्स ऑल राइट. सो दैट वे इट्स अ pioneer work and I welcome it. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रिथिपाल सिंह कपूर जी, जिन्होंने डॉक्टर गंडा सिंह जी होना दी देन बारे बहुत ही सार्थक गल्लां कीतियां कि किवें डॉक्टर गंडा सिंह जी होना ने मॉडर्न टेक्नीक्स दे नाल सिख इतिहास नूं किवें इंट्रोड्यूस करवाया इस पूरे वर्ल्ड दे नाल। बहुत बहुत शुक्रिया। संवाद दे इसे सिलसिले को जारी रखदियां होया मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर धर्मिंदर सिंह जी उबा प्रिंसीपल खालसा कॉलेज पटियाला के वो साडे दरमियान आन ते इस पुस्तक के बारे अपने विचार साडे सामने प्रस्तुत करन। डॉक्टर धर्मिंदर सिंह उबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज दे इस पुस्तक चर्चा दे विच शामिल सारियां ही बहुत मानयोग शख्सियतां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे लिए मैनू यह जापदा कि अज बहुत ये मुबारकमई दिहाड़ा है। उसदा कारण बहुत विजिबल है कि जिस लासानी शख्सियत दे उत्ते किताब लिखी गई उस संस्था के बानी है, उस संस्था के फाउंडर प्रिंसीपल ने, पहला संस्था के बानी ने फिर संस्था के फाउंडर प्रिंसीपल ने, जिथे मेरे वर्गी नाचीज नूं काम करन दा बतौर प्रिंसीपल काम करन दा और उस कुर्सी ते बैठण दा सुभाग प्राप्त होया जिहड़ी डॉक्टर गंडा सिंह जी ने सिरजी। मेरे लिए ये मुबारकमय मौका इस करके भी है कि इस पुस्तक नूं लिखण वाले एक सुगड़ एक सुचज्जे तरीके नाल कार्ज करन वाले शिद्दत वाली शख्सियत डॉक्टर मोहिंदर सिंह जी भी खालसा कॉलेज पटियाला दे साबका विद्यार्थी रहे ने ते मैनू ये जापदा कि अजिहे खुशगवार दिहाड़े किसी व्यक्ति की जिंदगी दे विच शायद बहुत विरले आउंदे ने ते मेरी जिंदगी के उन्हां खूबसूरत समियां दे विचों अज एक समा है। मैं मुबारकबाद दिना डॉक्टर मोहिंदर सिंह जी नूं ये बहुत वधिया कार्ज करन दे लई वधिया जिस तरह डॉक्टर कपूर जी ने दस्सिया है कि सिखां दे इतिहास नूं सिरजण वाले उस महान सिख दे ना केवल उन्हां दी शख्सियत बारे वर्णन करना बल्कि उन्हां दी कार्ज विधि बारे जिहड़ा वर्णन किया गया उस गल लई बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर साहब। और वाहिगुरू अगे अरदास कि परमात्मा तुहानूं सेहत याबी बख्शे, शरदा शिद्दत होर बख्शे, जिस नाल तुसीं होर सिखां दे लई वड्डे कार्ज करदे रहो। मैं जदों इस पुस्तक नूं पढ़िया तो मैं इको रीडिंग दे विच सिंगल रीडिंग दे विच किताब पढ़ी है। मैं ना तो इतिहास का बंदा ना मैं धर्म विज्ञान की कोई इदा की सोझी रखता। मैं स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, मेरी डॉक्टरेट अकाउंटिंग ते पंजाबी साहित्य दे नाल पोएट्री दे नाल मैं प्रोज दे नाल जुड़िया होया बतौर लेखक मेरा प्यार जिहड़ा हैगा। मैं पुस्तक नूं जदों पढ़िया वाचिया तो मेरे मन दे विच क्योंकि पुस्तक दे उत्ते चर्चा की गल चल रही है, डॉक्टर गंडा सिंह जी बारे बहुत चर्चा हो गई है। मैं पुस्तक नूं जदों पढ़िया मेरे 8-10 गल्लां दिमाग दे विच फटाफट आईयां। पहली गल जिहड़ी मेरे दिमाग च आई कि किसी भी पुस्तक नूं जदों असीं वाचदे हां परखदे हां देखदे हां तो पहली गल इह आउंदी है कि उस दे विच कंटेंट ते फैक्ट्स किहो जे हैगे ने। मैं इस गल लई डॉक्टर साहब नूं मुबारक दे रिहा कि पुस्तक दा विशा वस्तु ते पुस्तक दे तत्थ बिल्कुल एक निजमबद्ध तरीके दे नाल एक सिस्टम दे नाल बाखूबी रचे गए ने, बाखूबी दसे गए ने और किते भी कोई इदां दी एम्बिगुटी सारी किताब दे विच दिखाई नहीं दिंदी। बड़ी स्पष्टता जिहड़ी है किताब दे विच दिखाई दे रही है। किताब नूं परखण दा वाचण दा दूजा उहदी किताब दी रवानगी ल्यूसिडिटी जां सिंपलिसिटी दी जदों आपां गल करदे हां तां जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया भी कि कॉमर्स दा विद्यार्थी जे एक इतिहासकार दी बायोग्राफी नूं एक इतिहास दी पुस्तक नूं इक्को साहे पढ़दा तां यकीनन तौर ते इह गल सिद्ध हुंदी आ कि इस किताब दी रवानगी बड़ी कमाल दी है, भाषा की सरलता बड़ी कमाल दी है, किते वहा नहीं टुटदा, किते कॉन्टीन्यूटी नहीं टुटदी। किसी भी किताब नूं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट असीं एक गल कहने हुन्ने आ कि किताब दे विच यूनिटी ऑफ थॉट एंड कंटेंट कायम रहनी चाहिदी है। आम तौर ते की हुंदा बहुतियां किताबां जदों अक्सर देखियां ने तां ओह किताब शुरू हुंदी आ एक थॉट प्रोसैस नूं लैके शुरू हुंदी है, किते ना किते ओह थॉट वेवर कर जांदा, किते ना किते कंटेंट दी जिहड़ी कंटिन्यूटी आ ओह वेवर कर जांदी आ। इस किताब दे विच डॉक्टर साहब होरां ने बाखूबी जिहड़े 13 चैप्टर्स दे विच इहनूं वंडिया भूमिका तो शुरू करते हुए मुढ़ला जीवन, शख्सीयत, बसरे वाला फौजी, सिख इतिहास खोज केंद्र की स्थापना, पटियाले आना, पटियाले नियुक्ति, हिस्टरी कॉन्फ्रेंस का आगाज, इस तरीके नाल चलते चलते जिथे डॉक्टर गंडा सिंह दी उन्हां दा जीवन, उन्हां दा जीवन व्यवहार, उन्हां दी कमिटमेंट, उन्हां दी डेडिकेशन, उन्हां दी दलेरी, उन्हां दा कॉज ऑफ कम्यूनिटी बारे जिहड़ा कंसर्न है उस नूं बखूबी बयान किया। उत्थे नाल नाल अजिहे रेफरेंसेस आउंदे गए जिहड़े पाठक नूं, किसे इतिहास नूं जानन वाले नूं, समझण वाले नूं ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ और मैं हैरान होया लोगों ने उसनूं बहुत उत्तम किताब दे विच शुमार कीता होया। उहदी स्पष्ट रीजनिंग इह सी कि कल्ली किताब 'च 500 किताबां दा जिक्र आ, बंदा एक किताब नूं पढ़दा पढ़दा अगे दिलचस्पी पैदा कर लैंदा। डॉक्टर मोहिंदर सिंह जी इस गल्लों मुबारक दे पात्र ने कि उन्हां ने इहनूं ना केवल बायोग्राफी रख के बल्कि सिख इतिहास नूं एक क्रिस्पी रूप विच समझण वाला दस्तावेज भी नाल बनाता। उन्हां दा जीवन है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ किस तरह ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਚ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਐਮਏ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੀਸਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਅਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਮਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਥੀਸਿਸ ਆਫ ਪੀਐਚਡੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਇਆ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कि वो किताब जिहड़ी है रीडर का इंटरस्ट कायम रखती है। कि असीं किते पढ़िया सी कि बहुतियां किताबां दा प्रीफेस पढ़ के लोग छड़ दिंदे ने, उदों अगलियां दा कंटेंट्स पढ़ के छड़ दिंदे ने, ते नहीं तां पैरा दो पैरे चार पैरे पढ़े ते मोटी मोटी जी किताब फरोली। सच जाणिओ मैं इस किताब का कला कला वर्का पूरी तरह पढ़िया। वो इस करके पढ़िया कि द बुक हैज़ डेफिनेटली the position to carry on the interest of the readers, कायम रखिया, किते मेरा इंटरस्ट टुटिया नहीं। वो इस करके नहीं टुटिया कि डॉक्टर महेंद्र सिंह होरां ने दो काम इस च करते, भाषा की सरलता, भाषा की रवानगी और जिहड़ी उन्हां दे शब्दां की चोण है। ये लगातार काम तां अंग्रेजी दे विच ते लगातार वड्डे अहुदे ते रहिंदे होए कर रहे हैं, पर इन्हां ने जिहड़ी पंजाबी वरती ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ना तो एको गल सी कि जिहड़े लोग लोक मुहावरे विच गल करदे ने, लोकां दी भाषा विच गल करदे ने, तां ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਨੇਮ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨਹਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, मैं बाद च गल की, मैं जी मैं बंदा तो कॉमर्स का गा, पर ऐ लगता होंदा सी जो किते बैठे हो भी यार जो कोई दूजे विषय की भी गल करे माड़ी मोटी पल्ले पै जू। सिख धर्म च मैं वड्डा होया, मेरी परवरिश सिख धर्म च होई, मैं इहदियां बुनियादां दे नाल जुड़िया होया, पर गुरु ग्रंथ साहब बारे तुहाडे लैक्चर नूं सुणन तो बाद मेरे पल्ले कुछ नहीं पिया। माफ करना, बहुत वड्डे विद्वान विच बैठे ने। तां इह बहुत वड्डा ते जरूरी तत्त हैगा। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛੜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੀਡਰਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੇਅਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਨਵੇ ਕਰਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪਾਠਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਠਕ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਬ ਪਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਠਕ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਅਗਾਹ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਿਰਜਕ डॉक्टर महिंदर सिंह जी होना नूं कि वो अपनी गलबात इस पुस्तक के संदर्भ दे विच साडे नाल करन कि उन्हां दे मन च किवें इस पुस्तक की सिरजना नूं लैके किहो जिहे विचार सन कि इस किताब ने किताबी रूप लिया ते उस दे बारे खुल के गल तुसीं साडे नाल अपनी गल करो डॉक्टर महिंदर सिंह जी। मेरे लिए वक्त फैसला करो 15 मिनट वक्त भी तुहाडा वक्त तुहाडा सर कोई गल 15 मिनट ठीक है जी 15 मिनट ओके सर ओके ओके ओके। इस मंच के कन्वीनर डॉक्टर वेल सिंह जी, प्रोग्राम के मॉडरेटर डॉक्टर मुनीश कुमार, मेरे सत्कार योग अध्यापक प्रोफेसर प्रिथीपाल सिंह कपूर ते मेरे मित्र प्रोफेसर धर्मिंदर सिंह उबा ते श्रोतागण जिन्होंने मैं नहीं दे सकता पर मैं लगता वो सुन सकते हैं देख सकते हैं। दो लोगों का मैं जिक्र करना चाहवागा, मेरे बड़े वीर प्रोफेसर हरीश पुरी मैं लगता सुन रहे हैं तो मेरे छोटे वीर कुंदन लाल टोडेजा। पहले जो किताबें मेरी रिलीज हुई तो दोनों नाटक प्रोफेसर कपूर भी सीगे याद है प्रोफेसर साहब ने काली मूवमेंट NBT ने छापी तो टुडेजा तो प्रोफेसर हरीश पुरी नाल बैठे सन तो गुजरात साहब ने रिलीज की, इस करके उन्होंने जी आखांगा मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ कि तुहानू मौका दिते मैं अपने उस्ताद डॉक्टर गंडा सिंह दोबारा श्रद्धांजलि देने का। सच्ची गल है एक मैं सेंटेंस अंग्रेजी भी बोलांगा कि मैं अपने दोस्त दविंदर नाल गल करे पंजाबी जी अनुवाद करो अनुवाद ठीक नहीं बन रहा। डॉक्टर अमरीक सिंह ने 23 किताबें लिखियां ठीक है जी, कभी रिलीज नहीं करवाई। एक किताब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन से रिलीज कराई, चिट्ठी मेरी PA ने टाइप की, माई डियर मनमोहन यू नो आई एम ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स आई नेवर गॉट ए बुक रिलीज सिंस ए टीचर हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड लाइक यू टू रिलीज द बुक। असी बड़ा पक्का पीता कि डॉक्टर साहब आज उन्होंने प्रधानमंत्री कह देना, डॉक्टर मनमोहन सिंह कह देना ना, पता क्यों शुरू हुए आफ्टर हैविंग इम्पोज माई बुक आई डोंट वांट टू इम्पोज अ स्पीच ऑन यू सो दैट इज एप्लीकेबल इन माई केस आई हैव इम्पोज द बुक। किवें इम्पोज की रवेल सिंह सीक्रेट पता है कन्वीनर हैं। असी ओरिजिनली सोचा सीगा पुस्तक आई थाउजेंड्स ऑफ हीरोज हैव अरिजन ਇਹ वर्ल्ड वार सिखा के रोल से किताब सी, दो बंद ने लभ्या जनरल DD संधु डिफेंस एक्सपर्ट ने डिफेंस PhD की, जरनैल है ने वाइस चांसलर से कहते यस आर स्पीक। दूसरी सी प्रोफेसर परमार वो कैनेडा यूनिवर्सिटी पढ़ाती है वर्ल्ड वार 2 काम कर रही हैगी, उन्होंने मिल गई किताब एमेजन तो संधु ली सू किताब नहीं मिली असी फस गए। फिर मैं रवेल सिंह के अपने प्लेटफॉर्म का नजायज फायदा उठा सकता क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर हाँ, अपनी किताब मैं प्रपोज नहीं करना चाहवागा रवेल सिंह ने हाँ भर दी। तो फिर एक स्टैपनी स्पीकर स्टैपनी अनुवाद नहीं हो सकता भाई पंजाबी का एक्सपर्ट स्टैपनी शब्द अनुवाद हो सकता मेरे ख्याल नहीं हो सकता। क्यों? स्कूटर का 3वा पहिया, 3 वी का 4था पहिया तो कार का 5वां पहिया होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल गड्ढे पंक्चर नहीं होंगे ठीक है। इस करके सारे को स्टेपनी का इक्वल नहीं तो हम स्टेपनी स्पीकर स्टेपनी माधु की कर दी है हां जी यू आर नॉट स्टेपनी मदद कर दी है कि मंजिल तक पहुंचा देती है। तो इस करके मैं डॉक्टर वेल सिंह की मदद कर रहे हैं कि एज स्टेपनी स्पीकर में आ रहे हैं। किताब बारे बहुत कुछ किया गया खास करके पता नहीं इन्होंने चंगा लगा कि माड़ा प्रोफेसर प्रिथीपाल सिंह कपूर मेरे टीचर सन तो बड़े सख्त टीचर तो आखिरी दिन ने ना सू भजाता इतों मैं तो गुरशरण सिंह असी गए असी लेट हो गए कहना यू बाबू हैव नो बिजनेस टू कम लेट गेट आउट दैट वाज द लास्ट मीटिंग गेट आउट हो गए। उस तो बाद लैक्चर लग गया वेरिंग कॉल बटाला एक दिन गर्मियां च आए मेरे घर खूब गर्मी कहने काका है ला तेरा अपॉइंटमेंट लेटर लालपुर खालसा कॉलेज 10 एडवांस इंक्रीमेंट कहने इंटरव्यू नहीं करनी तेरी हम ये किमें डिस्क्राइब करो रिलेशनशिप की हैगी कि लास्ट जी मीटिंग सी ऑन ए नैगेटिव नोट ही थ्रू मी आउट ऑफ हिज क्लास दैन आफ्टर 1 ईयर ही कम्स बेटा ये लेटर ज्वाइन कर ला तेरी इंटरव्यू नहीं लैनी So that was the relationship. गल करनी है डॉक्टर गंडा सिंह दी ते पुस्तक दी। पुस्तक चंगी या माड़ी का फैसला आज नहीं हो सकता, इसका फैसला उदों होगा जब इसकी अगली एडिशन छपेगी। जो दम होगा छपेगी, जो दम नहीं होगा तो नहीं छपेगी। मेरी पहली पुस्तक 1978 में छपी, दी अकाली मूवमेंट मैकबरन ने छापी। उसकी कई एडिशन बिकिया, अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद हुई, हिंदी अनुवाद हुई, चलती रही। जे दम होएगा तो पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगी, जो दम नहीं होएगा तो रीडर रिजेक्ट कर देंगे, मैंने कोई दुख नहीं होएगा। अगली गल, डॉक्टर गंडा सिंह नाल पहली बार दर्शन हुए अजीब तरीके। जो मैं प्रीफेस लिखा है जो स्कूल पढ़ते स पटियाले 3 हस्तियों का जिक्र करते थे जिन्होंने मैं त्रिमूर्ति कहा, जसवंती राम वीर जी, डॉक्टर खुशदेवा सिंह ते डॉक्टर गंडा सिंह। तंग दसी भी दर्शन किमें हो सकते हैं। तो गंडा सिंह का बड़ा बेटा सी, वीर सिंह मेरा अध्यापक से स्कूल में। अच्छा मास्टर जी डॉक्टर साहब दर्शन करने, वो कहते नहीं जी वो समा नहीं जाया करते, सानू दर्शन जरूर करने से। एक दिन की होया कि पटियाले सेंट्रल लाइब्रेरी बनी सी, चीफ मिनिस्टर ब्रिश बन गए तो बोर्ड लगे सी डॉक्टर गंडा सिंह लाइब्रेरी के एड जो भी होंगे। असी जाके कनात तोड़ के जाके गोड़े ला के भज गया साइकिल से, ताकि मां ने दसिया साड़ी प्राप्ति हो गई है कि तो गंडा सिंह दर्शन नहीं किए, गोडे हाथ भी लाया, हाथ भी लगाया, टच भी किया। तो दैट वाज, ये नहीं सी पता कि इन्ने नज़दीक आ जावगा मैं उन्होंने कि कह नहीं सकता कितना प्यार देंगे। 5 मिनट 2 गलों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो पंजाब हिस्टोरिकल स्टडीज, उन्होंने कमाल की ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न स्कॉलरशिप समेल किया। हिस्टोरिकल स्टडीज पहली 4 जो अपॉइंटमेंट सीगियां, पहले सीगे भाटिया साहब सीगे, गुरबख्श सिंह भाटिया परशन की एम ए, हिस्ट्री की एम ए, डॉक्टर किरपाल सिंह हिस्ट्री के परशन सब कुछ आता है, तीसरे से डॉक्टर भगत सिंह, तो चौथे से प्रोफेसर कपूर जोड़े कि सिस्टम में फिट नहीं हो सकते क्योंकि असी लैक्चरर सीगे, 10 तो 5 बहना इन्होंने बड़ा औखा लगता सी, पर इन्होंने मॉडर्न टैक्नोलॉजी आती सी, मॉडर्न गल ईडियम आता सी। इन्होंने होर कमाल की उन्होंने पहली बार 4 बंदे लभे। इमेजिन करो जी गल की है ना, गुरु गोबिंद सिंह डेथ इन अदेर या बंदा बहादुर बारे वह निर्णय फैसला किया उन्होंने पाटवीए के आधार से। पाटवीए के महान विद्वान से ज्ञानी गर्जा सिंह, उन्होंने लभे 3-4 बंदे, ज्ञानी गर्जा सिंह, शमशेर सिंह अशोक ते भाई रणधीर सिंह। तो झगड़ा पै गया, यूनिवर्सिटी बाबू कहते इन्होंने को एम ए की डिग्री नहीं, गंडा सिंह कहना मैं नहीं फिक्र करता डिग्री डुग्री मैंने चाहिए, इन्होंने को नॉलेज है तो मैंने तो नॉलेज चाहिए डिग्री नहीं चाहिए। झगड़ा 6 महीने बाद। गंडा सिंह की कमाल से ज्यादा पंगा लेंदे नहीं सी, जो लेंदे से हमेशा जिद्दे सी, वो जिद गए कि जोड़े बंदे खुला दाड़ा कि छहरा पाया तो पढ़े लिखे लगते ही नहीं, और लैक्चरर ग्रेड आ गए। तो उन्हें सुमेल कर दिता ट्रेडिशनल विजडम मॉडर्न स्कॉलरशिप। दूसरी गल मैं करनी चाहूँगा, फर्स्ट पंजाब हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, मैं विद्यार्थी भी सीगा तो उन्होंने असिस्टेंट भी सीगा। एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में शमैना ला के कॉन्फ्रेंस की गई, रात को चक्कर आया, शमैना उड़ गया। असी पहुंचे, तरीका की होंगे आम तौर पर जो बाबू करते हैं, एक्शन में फोन करना सी ना यूनिवर्सिटी कि भाई शमैना गिर गया, तो एक्शन आना सी 10:30 बजे। गंडा सिंह हथौड़े लैके रस्सियां लैके फौजी सीगे, जाके डर गए, असी भी लग गए। तो शमैना 10 बजे खड़ा हो गया। चॉइस जी है ना, 2 गल्लां मैं साफ करना चाहांगा। ही वाज क्लियर दैट सिख हिस्ट्री एंड पंजाब हिस्ट्री दे आर नॉट सिनोनिमस। ही वाज प्रमोटिंग पंजाब हिस्ट्री, सिख बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बट दे आर नॉट इक्वलेंट। हाँ जरा क्यों असं ये नहीं कह सकते कि पंजाब हिस्ट्री गुरु नानक की शुरू होंगी है तो रणजीत सिंह खत्म होंगी है। सो चॉइस देखो बंदे की। पहली पंजाब हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस से एंशियंट पंजाब का प्रधान कौन सी, Dr. Buddha Prakash. Imagine, D.Litt from London. Medieval Professor Noodle Hassan. Modern Dr. Fauja Singh. And कमाल की गीता एक में चैप्टर लिखा है डॉक्टर गंडा सिंह मुढ़ला जीवन ते शख्सियत इस तो बंदे का लगता कि वह विजन की है। एक मैं कोट किया जदों तक शेरां दा इतिहास लिखण वाले शेरां दे अपने इतिहासकार नहीं जमदे शिकार विच जित हमेशा शिकारी दी होवेगी। ये अफ्रीकन फोक सॉन्ग है। तो सिखां दे हिस्टोरियन कौन है इत्थे हुण बंदे दा लगदा पता कि वो सिख हिस्ट्री ते पंजाब हिस्ट्री फर्क नूं समझदा। हो सब तो पहला उन्हें किया हरी सीता राम कोहली। इमेजिन ए टॉप सिख हिस्टोरियन ऑनरिंग सीताराम कोहली। मैं उत्थे सीगा उन्हां दे नाल जदों सीताराम कोहली की डेथ हुई तो गंडा सिंह ने कंडोलेंस मीटिंग कॉल की। फैसला किया कि हरेक साल सीताराम कोहली मेमोरियल लैक्चर किया जाए। उसका कहना यह कि सिखों का पहला इतिहासकार कौन है सीताराम कोहली जिन्हें साइंटिफिक तरीके सिखों की हिस्ट्री लिखी। दूसरा जिन्होंने असीं बार बार अनगोल किया हरी राम गुप्ता। इमेजिन बंदे ने जिंदगी गालती हरिराम गुप्ता ने। मैं इमोशनल हो जाना है अभी बहुत वो कदर नहीं पा सके हरिराम गुप्ता। नतीजा डॉक्टर गंडा सिंह सी। गंडा सिंह इस गलों खुशकिस्मत सीगे कि उन्होंने बड़ी मेहनत की तो उन्होंने रिवार्ड भी मिला पहचान भी मिली पद्म भूषण मिला जोड़ा कि डॉक्टर हरिराम गुप्ता असी दे नहीं सके। इस करके मेरे मन का लोग जरूर गिल्ट होंगे ज्ञानी गर्जा सिंह नाल मैं लड़ा भी जाके कि जी उन्होंने पद्म भूषण क्यों नहीं दिता जा सकता। एक गल होर करनी चाहवांगे 2-3 मिनट मॉडरेटर ओके मनीष सर कंटिन्यू 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 सर। डॉक्टर गंडा सोच समझ के फैसला करते सन। एक बार फैसला कर लें फिर वो कंसीक्वेंस की परवाह नहीं करते। दिल्ली में गुरणी कमेटी गुरु तेग बहादुर की शहादत के 300 साल 1975 कमेटी के प्रधान सन डॉक्टर जी एस ढिल्लों। उदों से स्पीकर लोक सभा सकत्र बनाया गया फौजा सिंह। सकत्र बनना चाहते थे अपने प्रिंसीपल सतबीर सिंह। मैं सतबीर सिंह हिस्टोरियन नहीं मनता सॉरी वो कथाकार सी लखों के लोगों को एड्रैस करते थे पर हिस्टोरियन मैं नहीं मनता उन्होंने कथाकार ही। वो कहने फौजा सिंह ने डाउन करने एक तरीका लभ्या कि फौजा सिंह ने पेपर लिखा जो लिखा उन्हें कि गुरु तेग बहादुर शहीद नहीं किया गया बेकार गल सी। गुरुद्वारा कमेटी ने स्टैंड लिया कि फौजा सिंह का प्रोटेस्ट करके बॉयकाट किया जाए। गंडा सिंह कन्विंस हो गया कि फौजा सिंह ठीक सीगा उन्हें गुरु तेग बहादुर बारे गलत गल किधरे नहीं लिखी। मुश्किल की असं गुरुद्वारे पढ़ते नहीं है ना जो जत कहना ग्रंथी रागी सुन के कहना मैं सुनिया बीबियां कहनी वे भैने भैड़ा फौजा लिखता है गुरु तेग बहादुर शहीद ने। मैं क्या माता जी कितने पढ़ाया कहते गुरुद्वारे ग्रंथी ने दसा तो ग्रंथी साडा बन गया हिस्टोरियन। गंडा सिंह ने स्टैंड लिया सपोर्ट करने दिल्ली कमेटी ने मीटिंग की। फैसला किया कि गंडा सिंह का बाईकाट किया जाए सोशल बाईकाट। चिट्ठी गई उन्हें बड़ा आनंद आया उन्हें जवाब भेजा स्पीड पोस्ट नहीं स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के तुहाडे फैसले लई मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ। गंडा सिंह घर किसी ने छेती कितने आ नहीं देंगे। ये फैसले इंप्लीमेंट करने लिए दिल्लियों 3 सेवादार भेजे जान 8-8 घंटे सेवा देन। उन्होंने रहन का खाण पीने का प्रबंध मैं कराँगा ताकि मैं लोग डिस्टर्ब ना कर। कितना बड़ा फैसला सी। कमेटी ने भेजा कमेटी घबरा गई रिमाइंडर भेजा तीजा रिमाइंडर भेजा कि फैसला जो लिया इंप्लीमेंट करो भाई मेरा सोशल बाइकाट इंश्योर करो ताकि मैं लोग डिस्टर्ब ना कर चंगा काम बैठ के कर सका। अखीर तो होया कि दिल्ली के बंदे जाके तो माफ़ी मंग के आ गए कि जी असी गलती करते थोड़ा असी बाइकाट नहीं कर सकते। मेरे वर्ग बंदा तो पहले जिस घबरा के जाके सॉरी कह दिंदा। दूजी गल पंजाबी सूबा नहीं सी बन रहा तो शोशेबाजी करते करते अपने संत बहादुर सिंह ने फैसला किया कि जे सूबा नहीं मिलेगा मैं हवन कुंड अग में सड़ के मर जावांगा। अकाल तख्त के कोल उन्होंने एक चबारे से हवन कुंड बना दिते। गंडा सिंह ने बड़ी जोरदार लिखी अखबारों में कि सिखों में बहादुरी का कंसैप्ट है, सिखों में शहादत का कंसैप्ट है, सिखों में आत्मघात का कंसैप्ट नहीं। किसी गुरु ने आत्मघात नहीं किया, किसी महान शक्ति ने आत्मघात सुसाइड नहीं किया। सुसाइड का कंसैप्ट ही नहीं है। बहादुर कौम आ डटा रहा गंडा सिंह। अखबारों ने बड़ा उद्योग लिखा अखीर तो जरा जो अकाली दल फतेह सिंह हार गए तो गंडा सिंह जीत गया क्योंकि डरदा नहीं सी। तो तीजी गल जी मैं ब्रीफली परसनली करनी नहीं चाहिए। गंडा सिंह ने पद्म भूषण क्यों मिल गया? एक दिल्ली बंदा सी, उसका नाम सी सतिंदर सिंह। ट्रिब्यून भी दिल्ली चीफ सीगा, वो खालसा कॉलेज विद्यार्थी से। उन्होंने ज्ञानी जार सिंह समझाया जाके भाई ये बंदा, मैंने कहना दोस्त मेरे अपने प्यो का बायोडाटा इकट्ठा करके लिया दिता। जो राष्ट्रपति लिस्ट जाती है उन्हें हाथ में ऐड कर दिता। इतराज होया कि नहीं हो नहीं सकता ऐड। तो उन्होंने बुलाया, उन्हें सतिंदर सिंह ने भाई वो तो इतराज हो गया। तो मैं क्या नहीं, ये तरीका है कि प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिलीट ए नेम एड ए नेम। पता करो कि इंदिरा गांधी खास बंदे कह रहे हैं, तीन चार उनका नाम डिलीट कर दो। ठीक है, ज्ञानी जी हिम्मत करके ना लिस्ट मंगाई दोबारा, तो तीन बंदे के नाम कटते आज राष्ट्रपति। ठीक है, भजे है जी दोबारा गंडा सिंह असी देंगे नाम देंगे। ट्रेजिडी की हुई मेरे नाल, मैं बड़ा खुश। मैं गुरु नानक फाउंडेशन का डायरेक्टर सीगा, इंद्रजीत सिंह साढ़े प्रधान सी। असी उन्होंने डिनर फिक्स करता चैलम सोल क्लब। तो पता लगा कि गंडा सिंह टैलीग्राम गई कि आओ अवार्ड लैंड, नॉट कमिंग, डिकलाइन। वो कहना मैं अवार्ड वूड नहीं लैंदा। मेरी तो फूक निकल गई। डिनर फिक्स किया, इंद्रजीत सिंह मेरे प्रधान सी। कहना काका टैलीफोन में गल नहीं बनती, तू कार लैके चला जा। मैं गया पटियाले। वो तरीका होंगे जो विद्यार्थी में टंग आंदा है, बुथी बना के रोना मूह पा के बह जाए मंजी दौड़ से। बैठ गया, काका की गल है? मैं कहा जी मैं थोड़े सलमान डिनर फिक्स किया, जे नहीं होगा तो मैं सिखा की नौकरी, मैं नौकरी तो कट देंगे। वो कहना फिर मैं चला जाना। ठीक, वाल आ गए अशोक होटल नहीं ठहरे, मेरे घर ठहरे। जी अगली गल मैं खत्म करांगा। यह सीगा 24 मार्च 1984। इंदिरा गांधी पहली लाइन बैठी थी, दूजी लाइन राजीव गांधी बैठा सी, बड़े बड़े मंत्री बैठे सन। अवार्ड ज्ञानी जार सिंह ने दिता। अवार्ड लैंड तो बाद बाहर जाने ना अशोका हॉल, बड़े बड़े शीशे लगे दरवाजे, वो दिखे इन्होंने ध्यान नाल। 6 बजे तो उन्होंने चश्मा तो अवार्ड गिर गया। राजीव गांधी ने चक के दिता चश्मा, तो मेरी बीवी ने दिता उन्होंने पद्मा अवार्ड। मैं क्या डॉक्टर साहब ये राजीव गांधी इंदिरा का बेटा? कहना काका मैं तो की लेना। फिर मेरी बीवी ने कहा लगा दी। कहना नहीं बच्चे नहीं, ये नजर बट्टू अपने पर्स च पा लै। नजर बट्टू इज नॉट बॉदर्ड। असी तो पद्मश्री के लिए बड़ा कोशिश करते ना। कहना बेटा नजर बट्टू अपने पर्स च पा लै, मैनू नहीं चाहिए। तो वखरी गल है बाद उन्होंने वापस करता। सो बंदा स्ट्रॉन्ग क्यों सीगा? एक जवाब सवाल मैं आंदा है कि वाई ही वाज सो ब्रेव, वाई ही वाज सो फियरलैस। उसके दो जवाब है। वन है जिमें प्रश्न कपूर ने कहा जेनेटिक के जट सिख सीगा, तगड़ा सीगा। ठीक है, दूजा सारा जवाब जो मैं लॉजिकली रोमला थापन असी गलबात करते हैं। और रोमला कहती है इंटलैक्चुअल शुड बी इकनॉमिकली सैल्फ सफिशेंट। असं नॉर्मली होंगे ना कि लैक्चर जी मेरी इंक्रीमेंट रुक जाएगी, चेयरमैन नाराज हो जाएंगे, मैं तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो गंडा सिंह का काम बड़ा सीधा सीगा। पेंडू बंदा सी, घरों बोरियां भर के कणक आ जाती सी, चावल आ जाता सी, दालों की बोरियां आ जाती सी। तो 2 मझां रवी ने रखी हुई, तो परवाह नहीं सी करता है। इस करके बड़ा स्ट्रॉन्ग सी, खुशी ने कमिटमेंट की। जी मैं आखिरी गल कहांगा कि उन्हें की किया, एक साइंटिफिक हिस्ट्री लिखने का लीह पाई है। हिस्ट्री जी है सुनी सुनाई नहीं करांगा। असी बार बार जो 66 मैं गया तस्वीरें दिखाई। पंगानी साहब गुरु साहब पहाड़ी राजा ने जित किवें प्राप्त की। सतवीर सिंह कहना जी बड़े कमाल है, उन्होंने शक्ति सी, देवी शक्ति सी। वो कहते नहीं देवी शक्ति मैं नहीं मानता है। उत्थे गए डॉक्टर गंडा सिंह बंगानी साहब, गुरु गोबिंद सिंह देर वॉज जनरल इन गुरु गोबिंद सिंह, जरनैल सी ब्रेन सी। उच्चे पहाड़ी के टिब्बे गुरु साहब बैठ गए। जो पहाड़ी राजे से खुले मैदान जो आ गए, ढेर सारे तीर जो ऊपर छो ना मैदान 8 बजेगा, हेठों पर तीर सुटो तो अठारह बजता क्रेड आके हो नहीं सकता, ठीक है। तो गुरु साहब की ताकत का एक अंदाजा सी। ही वाज ए जनरल, ही हैड ए ब्रेन, ही वाज ए स्ट्रेटजिशियन, ही हैड स्ट्रेटजी। तो डॉक्टर गंडा सिंह विश्वास करते थे कि तथ्य का आधार करिए, पहले जाके तथ्य देखिए। तो किताब लिखने तो पहला उत्थे गए, स्टडी करके फिर उन्होंने लिखा। I think I should end at this, and I like to thank again my friends for giving me this opportunity to pay my tributes to my teacher, Dr. Ganda Singh. मैं मंदा जे मैं इतने बैठा तेरा बहुत बड़ा रोल Dr. Ganda Singh था, क्योंकि मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने रिसर्च स्कॉलर जॉब ली चक के बाहर छोड़ दिता। अंदर गया मैं वीज़े पूछता गंडा सिंह ने घर जाना, कहता मैं जाना रोज जाना, कहना गेट आउट पंजाबी की होंगे दफे हो जाए। मैं दफे हो गया, गंडा सिंह ने कर गया और जोर की मेज से मारिया। गंडा सिंह रिटायर होया, मरिया नहीं। उन्हें चिट्ठी लिखी कहते नाम C.H. लोहन, ही वाज प्रिंसिपल ऑफ बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला। मैंने से पता कि वो PhD कर रहे थे बेरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल, गंडा सिंह सुपरवाइजर थी। उन्होंने मैंने लैक्चर लगाया, 10 इंक्रीमेंट दे के फिर DC पटियाला की हो गया बुलाया। मैं क्या नहीं हूँ दोबारा ही आना, इस करके जे मैं माड़ी मोटी हिस्ट्री सीखी है तो गंडा सिंह करके या बिपिन चंद्र करके, तो माड़ी मोटी अंग्रेजी बोलनी सीखी है। तो इस करके कि मैं गंडा सिंह के सलाह से एक कॉलेज ऐसे कॉलेज गया जिथे कि 3-4 नॉन अमेरिकन सीगे, बाकी अमेरिकन फैकल्टी सी तो ट्रेनिंग ली। इस करके बार बार मैं दोबारा डॉक्टर गंडा सिंह का जो देना देना चाहूँगा तो अपने उस्ताद प्रोफेसर कपूर, अपने दोस्त प्रिंसिपल उबा, डॉक्टर रवेल सिंह से मनीष का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ रवेल सिंह कैन प्रपोज ए फॉर्मल वर्ड ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिन्होंने अपनी सिरजना के पल साढ़े नाल सांझे कीते और अपनी समृतियां च वो सारिया यादां नूं साढ़े नाल ताज़ा करके सानू भी तुसीं अजे ही अजीम शख्सियत नाल जान पछाण कराई। और असी उम्मीद रखांगे इस गल दी और यकीन भी है कि इस किताब दा अगला एडिशन भी आएगा और ये पुस्तक होरना भाषावां दे विच भी अनुवाद हो के पाठकां दा जिहड़ा राह आ वो मोकला होगा। वख-वख पाठकां दे कोल ये पुस्तक पहुंचेगी और इसे ही आस सदका मैं तुहानूं एक बार फिर तो अपने वालों मुबारकां दिंदा हां, जिन्हां ने बहुत ही बाकमाल गंडा सिंह जी होना दे जीवन उन्हां दी शख्सियत तो सानू रूबरू करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरी गुजारिश हुण डॉक्टर अरवेल सर जी होना नूं है कि ओह साडे अज दे इस संवाद लड़ी साडे नाल जिन्हां ने अपना वक्त साझा किया, अपने विचार साझे किए, उन्हां नूं वर्ड ऑफ थैंक्स कहण। डॉक्टर अरवेल सिंह जी मनीष मैं सोच रहा कि 3-4 नूं तुहानूं सुणन तो बाद चारों पैनलिस्ट नूं सुन तो बाद मैनू ये लग्या कि यह पुस्तक जिहड़ी है क्योंकि पुस्तक जे आपां कहने आ कि ये तद सैकेंड एडिशन आएगा तद ये पता लगेगा कि कामयाब है जां एडिशन जिहड़े है ट्रांसलेट छपणगियां कि नहीं छपणगियां। मैनू लगदा कि जे कंटैंपरेरी लैवल ते इहदी जे कोई बनदी है इहदी इंपोर्टेंस ते वो पंजाब दी जिहड़ी हुण वर्तमान स्थिति है उहदे विच जे आपां प्लेस करिए इस किताब नूं इस पुस्तक नूं भावें कि ये गंडा सिंह दी जीवनी है जां गंडा सिंह होरां दे बारे जो कुछ जानकारी उहदे विच है, पर मैनूं लगदा जो प्रोफैसर कपूर होरां ने एक गल कीती सी मैनूं उहदे विचों ही इस एक गल जिहड़ी मैं शेयर करनी चाहूँगा सारे स्रोतियां दे नाल दर्शकां दे नाल कि ये पुस्तक पंजाब दी कंटैंपरेरी सिचुएशन दे विच बहुत राह दसेरा किताब हो सकती है कि जिवें प्रोफैसर कपूर ने कहा कि कनिंगम आया तो उन्हें पंजाब के लोगों का सुभाव देखने लई ते उन्हूं पढ़न वास्ते उन्होंने कई कुछ किया। तो जिवें जो कुछ हुण वापर रहा पंजाब विच आई शुड नॉट एलैबोरेट दी थिंग्स बट जो कुछ वापर रहा उहदे विच जो पंजाबियां दा सभ्याचार है, जो सिखां दा सभ्याचार है, जो पंजाब दा सभ्याचार है, जो पंजाब दे लोकां दा सुभाव आ इस पुस्तक दे राहीं वो पंजाब दे लोकां दा सुभाव पढ़ के पंजाब नाल संबंधित चंगे फैसले करन वल सरकारां वध सकदियां, क्योंकि जे जां तां साडा सुभाव बदल गया, जे साडा सभ्याचार बदल गया, साडा सुभाव बदल गया फिर ते गल होर है, पर जे जे साडा सुभाव नहीं बदलिया असी उस सभ्याचार दे विच उहनूं अजे कैरी ऑन कर रहे हां, असी अजे तक ट्रांसफॉर्म उस तरह दे नहीं होए कि असी बहुत गलतानी वाल चले गए हां। ते फिर ये किताब जिहड़ी आ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਬਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਸਾਹਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕਾਂ, ਯੁਵਾ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨ ਮੁਥੂਮੋਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਥੂਮੋਨ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਦੁਰਾਏ ਕਾਮਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ। ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।